हुआ, जाके उठ के और वॉशरूम के पास बैठ गई, मतलब दरवाजे के बाहर सफेद चद्दर ओढ़ के, ठीक ऐसे बैठ है। और जैसे ही गए। मैं सुसु करके निकला बाहर, नहीं अभी ना हम लोग रास्ते में रुके हैं, ये मतलब होशियारपुर और अंब के बीच में जगह पड़ती है, गगरेट से थोड़ी सी पहले, वहां तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बर्फबारी वगैरह हुई है, पूरे पहाड़ पूरे ढके हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है यार, मेरे में 3x ही होता है, उपासना वाले में 10x होता है, तो इसमें इतना जूम क्लियर मे भी ना आ रहा हो, पर इधर से नजर आ रहा है कि बर्फबारी हो रही है। और इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना भाई साहब, इतना बढ़िया। अभी मैं उपासना को पकड़ के, मुझे ऐसा मेरा मन कर रहा है फोटो खिंचवाने का, ये देखो भाई यार, जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बना रखी ना, इतना बढ़िया। इधर कैफे बना रखा, अंदर पूरा वैसे सेटिंग वाला, मतलब AC वगैरह लगा रखे हैं, इधर ओपन वाला हो गया, बाहर भी ओपन है, और पीछे इतना बड़ा पार्क बना रखा है भाई, तुम आराम से बच्चों को लेके आओ यहाँ घुमाओ, झूले वूले भी लगा रखे हैं। ठीक है, इस बंदे का इस साइड पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। तो ये पेट्रोल पंप हो गया, जो भी बंदा पेट्रोल भरवाने आएगा वो रुकेगा यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह लेने आएगा, स्नैक्स वगैरह लेगा, इसके साइड में आइसक्रीम वाला पूरा पार्लर बना रखा है। वही ना यार, बंदा दिमाग ला के इन्वेस्टमेंट करे ना तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो जो भी यार, ये नहीं है कि आप पैसा वैसा कमा रहे हो उसको यूं ही उड़ाते जाओ हवा में, ठीक है, उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अपना दिमाग विमाग लगाओ। और हम लोग ना अभी भी यहीं पर हैं, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, और ये भाई देखने में क्या व्यू लग रहा है भाई साहब। एंड ये सब कुछ खाने के बाद आखिरी में डेजर्ट, क्या है ये इसका नाम, अरुणिंदर सेवन ब्लॉग्स। तो अभी घर जा रहे थे तो अरुण को ना हम कुछ किस्सा सुना रहे थे, तो किस्सा सुनाते सुनाते याद आया, जैसे भी तूफान बंद हुआ ना, बस इस टाइम पे क्या होता, तो हमने लिफाफे उठाने और खेतों में भाग जाना, चाहे रात हो कुछ भी, वहां से नीचे से इतने इतने शाम को आम उठा के लाने। और फिर क्या कि जैसे सुबह उठ के हमें कच्चे सुबह उठ के हमें वेट होता था और हमें पता होता, तो जैसे 6 बजते थे ना तो हम लोग लिफाफे उठा के आम के पेड़ के नीचे चले जाते, और कई बार ऐसे होता था कि वहाँ बच्चों के आपस में लड़ाई होती थी, हमसे पहले भी कोई पहुंचा होता था वहाँ आम उठाने के लिए, उस तरफ को मतलब बड़े बड़े पेड़ होते थे, और फिर हमने इतने इतने इकट्ठे करके लाने घर भर। अभी पता क्या चक्कर है, जो वो बड़े वाले आम होते थे ना, जिनको 50-50 साल जिनकी एज हो गई हुई है, अब लोगों ने वो आम कटवा दिए, तो वो हाँ पेड़ वो वाले ना, पर वो उनके जो आम खाने का मजा होता था ना, मजा आ रहा जीजू। अभी अभी आम खाते हो ना, जैसे हम एक दो खाते हैं, तब पता क्या होता था, बाल्टी भर लेनी, बर्फ डाल लेनी उसमें, एक खाया मीठा ही ठीक है, खा रहे खाए जा रहे जो खट्टा, एक चल फिर दूसरा, ऐसे चलता। दादा भी लेके आते थे वहां पे ना, बगीचे में से आम बहुत सारे तोड़ गए और लेके आते वहां पे, फिर उसमें हैंड पंप होता था घर पे, तो उससे पानी भर देते बाल्टी में, फिर उस आम को उसमें रखते थे, वो बिल्कुल ठंडे हो जाते थे, फिर खाते थे। और ये देखो, आते ही नहीं ये यहाँ पे आके पसर गई, ठीक है, कह रही मेरे सिर में दर्द हो रहा, कुछ नहीं खाऊंगा। और पापा बेचारे, वैसे ही पापा का दिल बहुत कमजोर होता है बेटियों के लिए, ठीक है, पापा बेचारे से रुका नहीं गया, आके देखो पापा रहने दो, कुछ नहीं हो रहा, पापा रहने दो, कुछ नहीं हो रहा, रहने दो, मत दबाओ सर, पापा कह रहे नहीं नहीं मत दबाऊंगा। चलो यार आ गए हम लोग घर, पापा कह रहे हैं वो तो इसने बोल दिया, अब तो दबाना पड़ता है। स्पून मतलब पापा जब सर दबाते हैं उसमें है ना, वो किसी में नहीं है, इतना मजा आता है ना, मेरा BP ड्रॉप हो रखा है आज, तो अभी मतलब पापा सर दबा रहे तो थोड़ा सा सही लग रहा है, इतनी सारी ब्राउनी खा के आई तब भी नहीं ठीक हो रहा। तो यार अभी ना क्या हुआ कि अनमोल ने मेरे को बताया कि यहाँ पे, ओ भाई साहब ये चिड़िया का घोंसला, और इसमें हुई हुई, ये बेचारे बारिश में भींगे ना, तो अनमोल इनको भी ढकने जा रहा है, इनकी माँ भी उड़ी हुई है, अभी माँ आई नहीं है ना, तो ये ना अनमोल ने ना ये शेड बना दिया इनके लिए, ताकि जैसे बारिश वारिश का मौसम है यार, बारिश तेज आए तो ये बेचारे भींगे ना। और अभी अभी उपासना ने मेरे को बताया कि अगर चिड़िया के बच्चे को हाथ लगा देते हैं ना, तो चिड़िया इनको फिर छोड़ देती है हमेशा के लिए, अगर इंसान का हाथ लग जाता है तो। यार ज्यादा ना फ्लैश नहीं मारते, पता नहीं भाई कहीं बेचारों को कुछ हो ना जाए ना, वो दिखाओ, नहीं
ना रात के भी नहीं, 11:30 बज रहे हैं ये रात को। जो ऑरेंज कलर का पॉलिथीन है ना उसमें जो गोलियां हैं वो दिखाओ। इस दादी अम्मा की बात सुनना एक बार। रिद्धि क्या हो गया तेरे को? क्या कर दिया उसने? क्या हो गया ये? दीदी वो अभी दर्द थोड़ी सी रह गई है, पैरासिटामोल। मुझे लग रहा है तुम्हारा नेट नहीं आ रहा। और पता है जो रिद्धि है ना ये वीडियो कॉल नहीं कर रही है, फेस टाइम कर रही है इसको। हे रिद्धि क्या हो गया तेरे को? रिद्धि सहा नहीं जा रहा। क्या नहीं सहा जा रहा तेरे से? सोया नहीं जा रहा। और क्या सहा नहीं जा रहा तेरे से? कान का दर्द ना। ये ड्रामे करने आई है तुम, इसे दवाई ढूंढवा रही हो। दिख रहा है वो तो शक्ल तेरे, इधर दिखाइयो दर्द में इतना कौन हंसता है बे? निकाल जल्दी निकाल लो। ये पता क्या, इसको फोन मम्मी का हाथ लग गया। और ये व्हाट्सएप कॉल नहीं करती, फेस टाइम करती है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती जा रही है। गाइस गाइस ओए गाइस ना, वाइट कलर की जो टैबलेट है, ब्लू कलर का पता है या वाइट कलर की टैबलेट है वो निकालो। एक ना बदतमीजी की भी हद होती है। क्या हो रहा है रात के ना, अभी बज रहे हैं डेढ़, ठीक है कितने बज रहे हैं? डेढ़ ही बज रहे हैं ना, देखो अंदाजे में बोलता मैंने टाइम। तो क्या हुआ, मैंने ना ब्लॉग एडिट किया, ठीक है, तो अंदर ना नेटवर्क नहीं आते, तो मुझे अपलोड करने ना बाहर जाना पड़ता है, तो मैं बाहर अपलोड कर। मैंने कहा यार ठीक है, एक ही बार उठे तो वॉशरूम वगैरह चले जाते, तो मैं इधर की साइड वॉशरूम चला गया जो पीछे टॉयलेट है, ठीक है। तो ये इनको पता तो था ही कि ठीक है यार, इसने भी गेट बंद किया, आवाज़ आई थी तो वॉशरूम गया होगा। ये क्या हुआ, जाके उठ के और वॉशरूम के पास बैठ गए, मतलब दरवाजे के बाहर सफ़ेद चादर ओढ़ के ऐसे बैठ गए, ठीक है। और जैसे ही मैं सुसु करके निकला बाहर, मैंने ऐसे सफेद चादर लेके मैं खड़ी हुई और पीछे चल के मैंने किया वो, और उन्होंने इतनी तेज चलाया अभी तक हर्ट भी डैमेज नहीं हो जाएगा। कह रहे डर के, मैंने कहा भाई सफेद चादर में आके ठीक है, कौन नहीं डर जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए चिड़िया आ चुकी है अपने बच्चों के पास में, इन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, वो उड़ के चली गई। मौसम हो रखा है बहुत ही ज़्यादा सुहाना, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, बच्चे दोनों सलामत हैं। भाई ये लोग ना क्या झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, पता क्या बता रही है? कह रही है अगर आपको प्रेमिका नहीं मिली है, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस तकिए के नीचे उसकी तस्वीर रख दें, ये वो, यार हद होती है। सो ये बना है आज मेरी फेवरेट धाम, चावल, माँ की दाल और मानी, जो मुझे खाना था, और हाथ से खाने का मजा ही अलग आता है। तो सुबह ही उठ के मम्मी ने बना दिया और अब मैं कर रही हूँ लंच। घर आके जो मुझे सबसे पहले होता है, मुझे कोई धाम खिला दे। शिमला खाई थी, अब घर आके अरुण ने खाना था चिल्ली पनीर, उन्होंने चिल्ली पनीर खाया। अभी अप्रोक्सीमेट 12:30 ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं सैलून का काम करके आई कम्प्लीट, और अब हमें बाकी काम करने जाना है। बहुत लंबी लिस्ट बनानी है अभी सारे गेस्ट की, ये वो, तो वो सारे काम करने हैं। हम रील शूट करके आ रहे हैं अपनी, और ये इस टाइम पे ये मौसम हो रखा है, बादल इतने साफ साफ और पूरे वैसे बन रखा है, और इतना सही मतलब मौसम हो रखा है। सो यार घर में छिड़वा रखा है थोड़ा थोड़ा काम, तो ये सारी यहाँ पे अलमीराज वगैरह बन रही हैं, तो अभी सारा वर्क अंडर प्रोग्रेस है, तो सारा भी फैला पड़ा है, लेकिन एंगेजमेंट तक हम लोग सारा का सारा कम्प्लीट कर देंगे। ऊपर लाइट जला भाई, ये बाहर का व्यू है। टू ओ भाई साहब, हाँ तो इधर भी पूरा काम वहां भी फैल रखा है, सोफे वगैरह बन रहे हैं, सारी कस्टमाइजेशन यहीं पे की जा रही है दवाइयों की तरह। इधर ये बेड शिफ्ट करवा दिया है, ये शैंकी वाला है, ये बने हैं सोफे, है ना, ये पूरा कॉन्ट्रास्ट वगैरह उठ के आया है, साथ में ये बनाया है सीटर, सारा मतलब यहीं पे बनवाया गया है। So, ये पनीर कटा है, ये प्याज कटे हैं, ये खीरे कट रहे हैं, और ये किसी का कट रहा है प्यार में अक्सर, और ये शैंकी आज बना रहा है भाई, कह रहा है कि मैं अपने स्वयं जो मेरे दो हाथ हैं इनका इस्तेमाल करके अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाऊंगा। एंगेजमेंट तो शादी से पहले इंसान को ज्ञानों पे नहीं, तो क्या नाम है, शादी से पहले सीखनी जरूरी होती है चीजें, लेकिन हमारा लड़का अपना सिलेबस रिवाइज कर रहा है भाई, क्या काटा है
लगता है काफी सीखा हुआ है। हाँ तो आज बनेंगे कढ़ाई पनीर। अभी कितना टाइम लगेगा भाई? 15-10 उसके बाद हम देखेंगे वो झूठी वही मक्कार। वही झूठी वही मक्कार देखने हो फंसना क्यों देखते हैं आज? मैं सोऊंगी, मेरी आंखें बंद हो गई। मैं पापा से नाराज होके बैठे हुए, मुझे किससे बात नहीं। क्यों पूछ लो। पापा क्या कह रही है? कह रही नाराज हूँ मैं पापा से। पापा कह रहे हैं उसका पता नहीं पर मैं नहीं हूँ। अभी हम मूवी देखने वाले, कौन सी? वो झूठी वही मक्कार। तो हमने रिद्धि की पीटीएम पे गए थे तो पता है रिद्धि की मैडम ने क्या कहा? सर देखिए, क्योंकि मैडम ने उसकी बहुत परेशान हुई, तुझे आपका जो बच्चा है ना वो सिर्फ अकेले आपके पैसे बर्बाद नहीं कर रहा, वो उसके साथ जो 40 बच्चे क्लास में पढ़ रहे उनके भी पैसे बर्बाद कर रहा है। ना खुद पढ़ता है कह रही हम भी सरप्राइज हो जाते हैं सर कि अकेला एक बच्चा पूरी 40 बच्चे बच्चों की क्लास को कैसे नहीं पढ़ने देता है। और ना मैं और उपासना ऐसे सर झुका के खड़े रहते हैं, जैसे नहीं मुजरिम कटघरे में खड़ा रहता है जज साहब के साथ। जी जज साहब कहते हैं। फिर मैम कहती है सर आपके घर में भी कोई ऐसा है क्या? फिर ना हमें और शर्म आ जाती है। मैंने कहा नहीं हम तो नहीं है। तो यार अभी वही हम मूवी देखने जा रहे हैं, वही झूठी वही मक्कार, वही झूठी वही मक्कार।